बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ मोहम्मद बिलाल और आप देख रहे हैं मुराद समीर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद, उम्मीद करता हूँ कि कैसे खैर खैरियत से होंगे। तो मैं लाया हूँ आपके लिए कोरोना वैक्सीन लगवाने वाले के लिए अबू जहबी में कौन सी रियायत और फ़वाद हैं, तफसीलात जानने के लिए कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए अबू ज़ैबी में कौन सी रियायत और फ़वाद हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात के दीगर अमारात की तरह अबू ज़ैबी में भी शहरियों और रिहायशियों को कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए बड़े पैमाने पर मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है। कोरोना वैक्सीन लगाने का आगाज़ 4 जनवरी से किया गया था, जिसके बाद हर रोज़ सैकड़ों रिहायशी रोज़ाना की बुनियादों पर वैक्सीन लगवा रहे हैं। ताहम वैक्सीन लगवाने के साथ अबू ज़हबी में सफ़र व पाबंदी और करंटीना कवानीन से मुतालिक रिहाइश के जहन में बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। रिहाइश जानना चाहते हैं कि आया वैक्सीन लगवाने के बाद भी इन्हें अबू ज़हबी में दाखिले और सफ़र के लिए और दीगर ज़रूरियात के लिए कोरोना SOPs पर अमल करना होगा या नहीं। इस मज़मून पर इन तमाम फ़वाद और रियायतों के बारे में तफसील से बताया गया है जो आप को कोरोना वैक्सीन लगवाने के बाद अबू ज़हबी में हासिल होगी। आपको कैसा पता चलेगा कि वैक्सीन लगवाने के बाद आपको फ़वाद और रियायतें हासिल करने के अहल हैं? अगर आपने नेशनल वैक्सीन प्रोग्राम के तहत वैक्सीन लगवाई होगी और 28 दिनों में के बाद कोरोना वैक्सीन की दूसरी इंजेक्शन भी लगानी होगी। जी हाँ, क्या UAE में सफ़र करने के बाद अबू ज़हबी में दाखिल होने के लिए मुझे कोरोना की PCR टेस्ट की मनफी रिपोर्ट दिखानी होगी? तो जवाब, अगर आपने नेशनल वैक्सीन प्रोग्राम के तहत वैक्सीन लगवाई होगी और 28 दिनों बाद कोरोना वैक्सीन की दूसरी खुराक लगवाने के बाद आपको अल हसन ऐप पर ई नज़र आने लगेगा और अगर आपने कोरोना वैक्सीन के तजुर्बात में वैक्सीन लगवाई थी और मुकम्मल तौर पर इस कवायद पर अमल किया था, तो आपके अल हसन ऐप पर सुनहरी रंग का स्टार नज़र आएगा। इन दिनों में आपसे कोई भी निशान अल हसन ऐप पर नज़र आएगा का मतलब है आप वैक्सीन लगाने के बाद मिलने वाली रियायतों को हासिल करने के अहल हैं। क्या मुझे हासिल होने वाली रियायतें हो सकती हैं? जवाब, वैक्सीन लगवाने वाले तमाम अफराद को हर 7 दिन के बाद कोरोना का PCR टेस्ट करवाते रहना है। जब तक वो ये अमल करते रहेंगे, इनकी अल हसन ऐप पर लफ्ज़ ई और गोल्डन स्टार नज़र आता रहेगा और वो वैक्सीन लगवाने के बाद हासिल होने वाली रियायतों और फ़वाद से मुस्तफ़ीद होते रहेंगे। जी हाँ, इसके बाद वैक्सीन लगवाने के बाद अबू ज़हबी वापस आने पर मुझे कौन से फ़वाद हासिल होंगे? जवाब, आप अबू ज़हबी में दाखिल होने के लिए तमाम इमरजेंसी लाइनें इस्तेमाल करने के अहल होंगे और बलारोक टोक और आसानी से अबू ज़हबी में दाखिल हो सकेंगे। इसके साथ आपको टेस्ट के बाद करने के बाद आपको कोई भी ज़रूरत नहीं होगी या PCR टेस्ट को जाहिर करने के लिए या इसके बाद कोई भी जो टेस्ट होगा वो नहीं करना होगा आपको। UAE वापस आने पर मुझे कोरोना टेस्ट करना होगा? जी जवाब, जी हाँ, UAE वापस पहुँच कर आपको कोरोना टेस्ट करवाना होगा। ताहम अगर आप ग्रीन लिस्ट में शामिल ममालिक में से किसी एक मुल्क से होकर वापस आ रहे हैं तो आपको करंटीना नहीं किया जाएगा। ताहम आपको क़याम के छठे दिन कोरोना का PCR टेस्ट
पीसीआर टेस्ट कराना होगा। और अगर आप किसी दूसरे मुल्क से आ रहे हैं तो आपको 10 दिन के बाद के लिए करंटीना होना होगा और 8वें दिन कोरोना का पीसीआर टेस्ट करवाना होगा। जी हाँ, क्या यूएई से बैरूनी मुल्क सफ़र करने से पहले मुझे कोरोना पीसीआर टेस्ट करवाना होगा? जवाब, जी हाँ बैरूनी जी हाँ बैरूनी मुल्क सफ़र करने से पहले आपको कोरोना पीसीआर टेस्ट करवाना होगा। जी हाँ, तो इसके बाद अगर मैं कोरोना वैक्सीन लगवा चुका हूँ और किसी ऐसे शख्स से मिल लेता हूँ जो कोरोना वायरस का शिकार है, तो क्या ऐसे में मुझे ख़ुद को करंटीन करना चाहिए? तो इसका जवाब है जी हाँ, वैक्सीन लगवाने के बाद भी अगर आप कोरोना पॉजिटिव मरीज़ से मिल लेते हैं तो आप 5 दिनों के लिए करंटीना होना होगा और 4थे दिन कोरोना का पीसीआर टेस्ट करवाना होगा और चौथे दिन कोरोना का पीसीआर टेस्ट करवाना होगा और अगर टेस्ट मनफी आया है तो आप करंटीना ख़त्म कर सकते हैं। मैं बिज़नेस चलाता हूँ, अगर मेरे मुलाजमीन मैं बिज़नेस चलाता हूँ अगर मैं मेरे मुलाजमीन को कोरोना वैक्सीन लगती है तो मुझे क्या फ़ायदा हासिल होगा? जवाब, 10 जनवरी से अबू जहबी के सर्विस सेक्टर में तमाम मुलाजमीन को हर 14 दिनों के बाद कोरोना का पीसीआर टेस्ट करवाना होगा और इसके अखराजात भी अजर को ख़ुद बर्दाश्त करने होंगे। ताहम अगर कोरोना वैक्सीन लगवाए चुकने वाले मुलाजमीन को इस शर्त से छूट दी गई है। जी हाँ, तो इसके साथ हमारी वीडियो अख्तितम पर पहुँचती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल की आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी हर नए आने वाली वीडियो आपको बरवक्त पहुँच सके। अपने अजीज वकारीब दोस्तों का भी ख्याल रखिएगा, अपने माँ बाप का भी ख्याल रखें। वस्सलाम।